हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो स्नैक ऐप पे न्यू प्रॉब्लम आ रही है इन अप्रोप्रिएट वीडियो का, उसका मतलब क्या है और वो प्रॉब्लम आपके वीडियो पे क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भी कुछ वीडियो पे यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट वीडियो का आपको दिख रहा होगा क्लेम जो है। तो ये होता क्यों है, क्योंकि अब आप अगर स्नैक वीडियो पे टिकटॉक का वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका यही प्रॉब्लम आएगा। और टिकटॉक का नहीं, सिर्फ मुझे लगता है कि हर किसी ऐप का जिसपे लोगो हो उसका वीडियो अगर आप स्नैक ऐप पे अपलोड करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम हर वीडियो में आएगी। ये वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड किया था लेकिन ये एक या दो दिन के अंदर लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इनअप्रोप्रिएट और प्राइवेट भी हो गया ये वीडियो और 71 व्यूज़ गया था। तो ये वीडियो बहुत पहले का अपलोड है लेकिन इस समय हुआ है। तो न्यू अपडेट में ये आ जाएगी। अगर आप कोई भी स्नैक ऐप पे अगर किसी ऐप का वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपका इनअप्रोप्रिएट वीडियो में चला जाएगा और वीडियो प्राइवेट हो जाएगी। तो ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी यही प्रॉब्लम पूछा था। तो बस इसका यही वो है सलूशन है कि आप किसी ऐप का वीडियो स्नैक ऐप पे अपलोड ना करें, आप खुद का वीडियो क्रिएट करें और ख़ुद का वीडियो इस पर अपलोड करें तो आपके वीडियो पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें बाकी आपको वीडियो अपलोड करने का तरीका सेम टू सेम है सब। आप वैसे वीडियो अपलोड करिए, कहीं से कॉपी मत करिए, खुद का वीडियो एडिट करिए और क्रिएट करिए और ख़ुद का वीडियो अपलोड करिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। तो अब आपको इनअप्रोप्रिएट वीडियो का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो बस इसका जो सलूशन मैंने बताया बस वही कीजिए, खुद का वीडियो अपलोड कीजिए और किसी ऐप से वीडियो कॉपी मत कीजिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।